हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो जिन जिन बच्चों का हिंदी का पेपर हुआ है उसका मैं आंसर की सेट टू का मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिन जिन बच्चों का 332 जो कोड है, कौन कौन बच्चे इस सेट को मैच करेंगे, जिन बच्चों का सेट 331 है, 333 है और 332 है, इन तीनों, ये तीनों सेट वाले जो बच्चे हैं, तीनों का जो कोड है वो सेम है। ओके, बस क्वेश्चन का जो इधर हेयर फेयर केवल है और बाकी सारा जो है वो सेट सेम है। तो 331 वाले, 333 वाले और 332 वाले, ये तीनों सेट वाले जो भी बच्चे हैं जिनका तीन कोड है वो आप क्या करो, मैच कर लो। प्रश्न पत्र कोड 332, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 331, 332 और 333, जिन जिन बच्चों का है वो अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। ओके, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताए थे वो सारा आया हुआ है। ओके, इंग्लिश में भी अगर आप चाहते हो कि सारा टॉपिक वाइज जो मैं आपको बताऊं आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग मैच करते हैं 331 कोड 333 और 332 का। चलिए देखिए, आप सब अपना जो है आंसर मैच कर लो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर, जो कि पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पढ़ के आपको आंसर करना था। मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, आप टिक करते जाइएगा और अपना टैली कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्यांश में मातृभूमि किस विशेषता का उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, माँ के समान पालन करने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है, शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वह उसकी थकान को दूर भगा देता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमल मखमली कपड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है धरती को जननी कहा गया है और कारण है धरती से प्राप्त जल अमृत के समान होता है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, दिन में तरणी करता तम का नाश है, इस पंक्ति का आशय क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मातृभूमि अपने तम का स्वयं ही नाश करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ आपका गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना था, आंसर करना था। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, इस पंक्ति का आशय है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बीमारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचेतन मन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोग बीमारी में निवेश करते हैं स्वास्थ्य में नहीं, से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोग स्वस्थ रहने से अधिक बीमारी से बचने के तरीके ढूंढते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर जो है वो शायद बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ए टिक किया है या बी टिक किया है। मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो है वो ए होगा या डी होगा, आप पर छोड़ देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपने ए किया है या बी किया है। ओके, ए या बी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ कि ए होगा या बी होगा, आप मुझे इसका आंसर जो है बताइए कि आपका आंसर क्या है, ए है या बी है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कर लिखिए। कथन है आपका, वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है। कारण क्या है, लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है किंतु कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया था ना, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। आप भी चाहते हो कि इंग्लिश में भी सारा क्वेश्चन और मैथ्स में, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि सारा क्वेश्चन ए टू जेड 100 का 100 आपसे बनेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इंग्लिश का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, जल्दी ही उसका वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको, इसमें मुझे डाउट है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 3 का फर्स्ट का ऑप्शन आपने कौन सा टिक किया है, ए बी सी डी में। ओके, मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको रॉन्ग आंसर नहीं बताऊंगा। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 3 का फर्स्ट को आपने क्या टिक किया है, सेकेंड और थर्ड
भी आप ही बताइए। ओके, फोर नंबर में इसका आंसर हो जाएगा, कवि अपने संघर्ष भरे जीवन को जीकर पूरी तरह तृप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी, फोर का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पे हम लोग आते हैं। तो फोर में है वाच्य को आपको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है, वाक्य में वाच्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कतरीवाच्य। फिर सेकंड क्वेश्चन है, माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई है, उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या करना है आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, आप मुझे बताइए कि आपने क्या टिक किया है, मैं आपको रॉन्ग आंसर नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए कि आपने इसका आंसर क्या टिक किया है। थर्ड का भी आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए कि कमेंट करके कि आपने इसका आंसर क्या किया है। फोर भी मैं आपको रॉन्ग आंसर नहीं बताऊंगा। ओके, चलिए आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर आपने क्या किया है, फोर का फोर नंबर। फाइव का भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपने क्या किया है। चलिए हम लोग फाइव से देखते हैं अब सबका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको अलंकार बताना है। फर्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झर कर कुसुम, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड है, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयुक्त हुआ है, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परेश श्याम हरित दुति होई, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार का। फाइव नंबर है, निम्नलिखित तो काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हम लोग आते हैं, आपको क्या करना है, पद परिचय बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े बड़े औले मैदान में घास पर गिर रहे थे, रेखांकित पद का परिचय बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण गिर रहे थे का विशेषण। सेकंड है, माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई, रेखांकित पद का परिचय बताना है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं हुआ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या टिक किया है। ओके, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। फोर नंबर भी आप मुझे बताइए कि इसका आंसर आपने क्या टिक किया है, और फाइव का भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। उसके बाद सेवन नंबर में हम लोग आते हैं, आपको यहाँ पर दो प्रश्नों को टिक लगाना है। तो फर्स्ट है आपका, सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हारिल पक्षी की लकड़ी से की गई है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है आपका, यह दंतुरीन मुस्कान में बच्चे के धूल धूसरित शरीर को देखकर पिता को कैसा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो, यानी कि दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट जो है वो पठित पद्यांश को आपको पढ़ के आंसर देना था। तो फर्स्ट है आपका, राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे परशुराम का क्रोध शांत करना चाहते थे। सेकंड में है आपका, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था, तो ऑप्शन नंबर बी, उनके गुरु शिव का धनुष टूटना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना अन्य धनुषों से क्यों की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव धनुष का अन्य धनुषों के जैसा होने का कारण। क्वेश्चन नंबर फोर है, परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने क्यों लगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परशुराम के आत्मप्रशंसात्मक वचनों को सुनकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोधपूर्वक। ओके, नाइन पे हम लोग आते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में आपको क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश का सारा टॉपिक बताने वाला हूँ और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो मैंने आपको हिंदी में बताया था सारा आया हुआ है, ऑल क्वेश्चन आया है उसी टॉपिक से आया है, इंग्लिश का भी सब आने वाला है। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नाइन नंबर को देखते हैं हम लोग। नाइन नंबर में है, बिस्मिल्लाह खान अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए, अपने सुरों की सलामी। सेकंड है, नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति देखकर वे भावुक हो गए। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पठित गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ के क्या करना था आपको, आंसर करना था। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट है, प्रभातियाँ किस समय गाया जाने वाला गीत है, भोर। गाँव देहात के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, भोर को, सुबह का टाइम, यानी कि भोर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था का आशय क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, सर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है ऑप्शन नंबर ए हो जाए और हो सकता है ऑप्शन नंबर डी भी हो जाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या टिक किया, मैं आपको कंफर्म इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ओके। इसलिए आप मुझे कमेंट बिल्कुल नहीं करना कि सर आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है। आप मुझे बताइए कि ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं आप या फिर ऑप्शन नंबर डी टिक किए हैं, ए या डी दोनों में कंफर्म आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए फाइव फोर नंबर को देखते हैं, बाल गोविंद की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक से फागुन तक। और क्वेश्चन नंबर फाइव है, भगत गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर क्यों गाया करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शांत और प्राकृतिक वातावरण के कारण। चलिए उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, चूँकि इसके आगे जो है वो आपको पूरा जो है आंसर लिख के बताना है, चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ओके। लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो सारा टॉपिक आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे वो मैं क्यों लिखता हूँ ये हो, या माता का आँचल हो, या फिर लखनवी अंदाज हो, संस्कृति हो, एक कहानी यह भी हो, ये सारा टॉपिक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो सारा क्वेश्चन आपको आया हुआ है। देखिए आत्मकथ्य का भी आया हुआ है, ओके, साथ संगतकार की भी आया, संगतकार का भी आया हुआ है, आपका जो निबंध मैंने आपको बताया था वो निबंध भी आया हुआ है, और तो और मैंने आपको जो जो मैंने आपको बोला था कि ईमेल आने वाला है, तो वो आपको ईमेल भी आया हुआ है, ओके। तो सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आप भी चाहते हो कि इंग्लिश में भी सारा क्वेश्चन आपका टैली कर जाए एग्ज़ाम में जो मैं आपको बताऊँ, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जैसे कि वो भी अपना आंसर मैच कर सकें। थैंक यू।